1 अगस्त से बदल जाएंगे एटीएम, एलपीजी और सैलरी से जुड़े ये चार नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 अगस्त से सरकार कई चीजों में बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा असर लोगों के जीवन से लेकर उनकी जेब तक पड़ेगा। सरकारी योजनाओं की सुविधा घर बैठे लेने वालों को भी अब इसका चार्ज देना होगा। वहीं 1 अगस्त से एटीएम इंटरचेंज शुल्क 2 रुपए से बढ़ाकर अब 17 रुपए कर दिया जाएगा। कि देश भर में लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन अब शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के डीमैट और ट्रेडिंग खाते भी बंद हो सकते हैं। ऐसा न हो इसके लिए निवेशक 1 अगस्त से पहले अपना केवाईसी करवा लें। डीमैट और ट्रेडिंग खाते रखने वाले निवेशकों को केवाईसी के तहत 6 जानकारियां देनी होती हैं। इसमें नाम, पता, पैन विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सालाना आय शामिल है। 1 जून 2021 के बाद खुलने वाले सभी खातों के लिए ये 6 जानकारियां देना अनिवार्य बना दिया गया है। उससे पहले से निवेशकों का केवाईसी अपडेट कराने के लिए 31 जुलाई तक समय दिया है। आइए जानते हैं 1 अगस्त से और कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। रविवार और छुट्टी में भी आएगा वेतन। 1 अगस्त से वेतन या पेंशन की तिथि पर रविवार या अवकाश हुआ तो भी खाते में पैसा आएगा। रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि अगले महीने से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की सेवाओं को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा। किश्त चुकाने के लिए भी पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। एटीएम से रुपए निकालने पर देना होगा चार्ज। अधिकारी ने बताया कि रिजर्व बैंक ने जून में कहा था कि 1 अगस्त से एटीएम इंटरचेंज शुल्क 2 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया जाएगा। एटीएम के गैर वित्तीय इस्तेमाल पर प्रति ट्रांजैक्शन 6 रुपए शुल्क लगेगा, जो पहले 5 रुपए था। आईसीआईसीआई बैंक ने 3 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद हर बार 20 रुपए शुल्क की घोषणा की है। घर बैठे सरकारी योजनाओं के लाभ पर लगेगा चार्ज। भारतीय डाक भुगतान भी 1 अगस्त से घर में सेवाओं को उपलब्ध कराने पर शुल्क लगाएगा। उपभोक्ताओं को सुकन्या या अन्य खातों से जुड़ी सेवाओं को घर पर लेने के लिए हर बार 20 रुपए और GST का भुगतान करना होगा। अभी तक ये सेवा निःशुल्क थी। LPG गैस कीमतों में होगा बदलाव। सरकार हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती है। 1 अगस्त को भी इसकी कीमतों में उछाल या गिरावट आएगी। पिछले कुछ महीनों में LPG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और 1 साल में 40% इजाफा हो चुका है। ऐसे में आगे भी कीमतें बढ़ सकती हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी